तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल को लगा बड़ा झटका, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा लेबनान, इजराइल पर दागे 4 रॉकेट, गिरा दी इजराइल की कई बिल्डिंगे, लगा है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़वाया, तो विरोध में उतरे अखिलेश यादव, कहा भाजपा है मुस्लिम विरोधी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को भाजपा नेताओं ने दी गाली, तो भड़के कांग्रेसी, भाजपा नेता की गिरफ्तारी की है मांग, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं लोग, बोले टीका लगवाते ही हो जाएगी हमारी मौत या फिर हो जाएंगे हम नपुंसक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज ईरान ने मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका, ईरान ने भारत से छीना सबसे बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, दिया है चीन को, दे दिया बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस इंसानों के बाद अब जानवरों में भी फैला, दिल्ली में 60 बंदरों को हुआ कोरोना, किए गए क्वारंटीन। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल को लगा बड़ा झटका, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा लेबनान, इसराइल पर दागे 4 रॉकेट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में लेबनान उतर आया है और इसराइल पर लेबनान ने 4 रॉकेट दागे हैं और बुरी तरह से इसराइल को तबाह कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन की जंग खत्म होने की बजाय तेज होती जा रही है। इस जंगे में जिस तरह से लेबनान की एंट्री हुई है उससे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। लेबनान की तरफ से इसराइल पर 4 रॉकेट आज दागे गए हैं, इसके जवाब में इसराइल ने भी हवाई हमले किए हैं। इसराइल की सेना ने बताया है कि लेबनान से 4 रॉकेट उत्तरी इसराइल में दागे गए हैं, एक रॉकेट खुले इलाकों में गिरा है और 2 समुद्र में गिरे हैं और एक को हमने हवा में मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि इसराइल पर गिरे रॉकेट के बाद तनाव फिर से बढ़ गया है और युद्ध होने की आशंका है। वहीं आपको बता दें कि लेबनान लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों का साथ दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले गाजा ने भी कई रॉकेट हमले इसराइल पर किए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बुरी तरह से इसराइल को झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को योगी ने तोड़वाया, तो विरोध में उतरे अखिलेश यादव, कहा भाजपा है मुस्लिम विरोधी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को योगी सरकार ने तोड़वा दिया है, जिसके टूटने के बाद मुस्लिम समुदाय ने योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा पर काफी नाराजगी जताई। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कूद गए हैं और अखिलेश यादव ने मस्जिद तोड़ने की काफी निंदा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा मुस्लिम विरोधी है और भाजपा सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है, इसलिए वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करना चाहती है। भाई आपको बता दें कि देर रात बाराबंकी के राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तोड़वा दिया, जबकि इसके सबूत भी हैं कि मस्जिद 100 साल पहले बनी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अखिलेश यादव भी जो है योगी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को भाजपा नेताओं ने दी गाली, तो भड़के कांग्रेसी, गिरफ्तारी की है भाजपा नेता की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं ने जमकर अपशब्द कहे हैं और राहुल गांधी को फेसबुक पर जबरदस्त गाली भाजपा के नेता और देश के डॉक्टरों ने लिखी है। इसको लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता और डॉक्टरों के गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार कम हो रहा है, अब इसी को लेकर भाजपा नेता घनश्याम शर्मा और आपको बता दें कि डॉक्टरों ने जो है दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता और डॉक्टरों ने अपने फेसबुक अकाउंट पर विवादित पोस्ट की थी, जिस पोस्ट में राहुल गांधी को जबरदस्त गालियां दी गई थी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता ने राहुल गांधी को कुत्ता कहा और लिखा पोस्ट में कि ये कुत्ता है जिसको समझने में भारत के बहुत से लोग बड़ी भूल कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस के मामलों में भी राजनीति भ्रांति फैलाने से बाज नहीं आ रहा है, इस व्यक्ति ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक टूल किट तैयार कराई और उसे रोज प्रसारित करवा रहा है,
इससे सावधान रहे, ये इस संकट के समय देश को बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसके देखने के बाद राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेता भड़क गए और कांग्रेस नेताओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से इस मामले में ज्ञापन सौंपा है और FIR दर्ज। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेता और डॉक्टरों के गिरफ्तारी की मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन से डर रहे लोग, टीके से मौत और नपुंसक होने की है आशंका, फैल गई है अफवाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को बुरी तरह से परेशान करके रखा है। इसके चलते रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की जानें भी जा रही है। इस बीच इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन ही एकमात्र सहारा बन गया है कि कोरोना वायरस को खत्म किया जाए। वहीं अगर वैक्सीन को लेकर लोगों में किसी प्रकार का डर बैठा जाए तो वो भी मुसीबत है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र के एक जिले में देखने को मिला है कि यहाँ की धनोरा तहसील के गांव गदचिरौली में लोग जागरूकता की कमी के चलते वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया है कि उन्हें नपुंसक और मौत का डर है, क्योंकि मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन यहां पर लगवा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुजुर्ग लोगों ने साफ कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर हमने कोरोना वैक्सीन लगवाई तो हमारी मौत हो सकती है, अगर हमारी मौत नहीं हुई तो हम नपुंसक हो सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाई गई है। लेकिन लोग फिर भी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से लगा भारत को बड़ा झटका। ईरान ने छीना भारत से सबसे बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के दोस्त ईरान ने सोमवार को मोदी अमित शाह को एक तगड़ा झटका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस ऑयल फील्ड की खोज भारतीय तेल कंपनी कर रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट अब भारत से छीनकर दूसरी कंपनी को इजराइल ईरान ने दे दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान में पहले चीन अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक बड़ी निराशा करार दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी को लगा है और तेल कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट ईरान ने भारत से छीन लिया है। लेकिन अभी ईरान ने यह नहीं बताया है कि इस तेल कॉन्ट्रैक्ट को वह किस देश को देने वाला है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों से करेंगे बात, कोरोना को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है और मोदी सरकार बुरी तरह से घिर रही है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, दवा और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस को लेकर आज 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों से बात करेंगे और कोरोना की स्थिति इन राज्यों में जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 54 जिला अधिकारियों से बात करेंगे और जी हां, 10 राज्यों में कैसे कोरोना के हालात हैं इस पर जानकारी मांगेंगे। वहीं आज उम्मीद जताई जा रही कि जिन राज्यों में कोरोना से हालात ज़्यादा गंभीर हैं उन राज्यों में आज प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तूफान प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी को दौरा करना पड़ा भारी। शिवसेना बोली, महाराष्ट्र क्यों नहीं आए मोदी, यहां पर क्या नहीं आया था तूफान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से देश में तूफान आया था और तूफान प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात गए थे जहां पर उन्होंने कई लोगों के लिए कई घोषणाएं की थी। अब इसी दौरे को लेकर शिवसेना ने मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने पूछा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात गए, महाराष्ट्र क्यों नहीं आए, क्या महाराष्ट्र में तूफान नहीं आया था, कि महाराष्ट्र में लोगों के घर नहीं टूटे थे, क्या महाराष्ट्र में यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ था। इसी को लेकर बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी घिर गए हैं और शिवसेना के सांसद संजय रावत ने इसके पीछे राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में है और उनकी यहां पर सरकार नहीं है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना से मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में आज भाजपा को कोरोना से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के धरियावद यानी प्रतापगढ़ से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना से मौत हो गई है।
दरअसल आपको बता दें कि वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद गौतम लाल मीणा महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में भर्ती थे। इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मीणा की मौत एक के बाद एक बार फिर राजस्थान के सियासी गलियारों में जो है वजह बन गई है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस से भाजपा के विधायक और नेताओं की ही मौत हो रही है और अस्पताल में उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मोदी सरकार कोरोना रोकने में विफल हुई है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस का टूटा देश में कहर, इंसानों के बाद अब जानवरों को भी हो रहा है कोरोना। दिल्ली में 60 बंदरों को किया गया क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस जिस तरह से इंसानों को संक्रमित कर रहा है, इंसानों के बाद अब कोरोना वायरस जानवरों में भी फैलने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में वन विभाग की टीम ने 60 बंदरों को क्वारंटीन किया है। ये 60 बंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ये बंदर हॉटस्पॉट वाली जगहों पर पकड़े गए हैं, जैसे कि लाल किला वगैरह जगहों पर जहां पर लोग मस्ती करने के लिए आते हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना वायरस अब इंसानों के बाद जानवरों में भी फैलने लगा है, जिससे मोदी सरकार की और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों पर लगाया आरोप, कहा ये नहीं सुलझाना चाहते समस्या, अपने हितों को साधना चाहते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 40 किसान नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इन किसान नेताओं का इरादा समस्या का समाधान करना नहीं है बल्कि अपने हित साधना है, इसी को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में बढ़ रहा है कोरोना, डॉक्टर दे रहे हैं इस्तीफा, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। अब तक जहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग भी इसकी चपेट में आकर अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब कोरोना वायरस भारत में नहीं रुक रहा है और इसी के डर से अब हजारों डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैंने ये भी देखा था 2006 में।